छोड़ दें। बहुत सख्त ऑफ रोड ट्रैक है एक दो जगह। जीप को डाल लेने तो रोड पे नजर रखूंगा। सो फाइनली अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा शुरू हो रहा है कराकरम सीरीज़ का एपिसोड 3। जो मेरा एपिसोड 2 देख चुके हैं सब दोस्तों को पता होगा कि हमने लास्ट डे लास्ट नाइट जो है वो नलतर वैली में स्टे किया था, और आज सुबह के बज रहे हैं 9 और हम निकल चुके हैं सतरंगी लेक देखने के लिए। नलतर वैली से आगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। बड़ा मज़ेदार भी लोग होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सीन कुछ यूँ है कि आज का जो हमारा ट्रैक है वो टोटली ऑफ रोड और सख्त तरीन ट्रैक है। अभी हम 0 पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं नलतर वैली की तरफ, और नलतर वैली पहुँच के हमने गाइड हमारे कासिम भाई हैं वो हमारे साथ जाएंगे, और उनकी हमने 125 बाइक है वो भी साथ लेके जाएंगे, क्योंकि एक बाइक पे डबल सवारी करना सामान के साथ जो सतरंगी लेक है बहुत टफ ट्रैक है, टोटली ऑफ रोड ट्रैक है। इसलिए 125 जो है वो हम वाले साहब को दे देंगे, और जो गाइड है वो स्लिम से हैं, उनका वेट भी कम है, वो मेरे साथ 150 पे बैठ जाएंगे, तो हमारा जो है ईजीली सफ़र जो है अच्छा गुजर जाएगा। कल हम ऊपर गए थे तो अभी हम आए नीचे, व्यू चेक करें। माशाल्लाह या मेरे मौला तेरी कुदरत, क्या खूबसूरत व्यू है। हमने कासिम भाई से बात कर ली है, और कासिम भाई को हमने गाइड के लिए 2000 रुपये जो है वो हम वापसी पे देंगे। इस टाइम हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, हम नलतर वैली से इस टाइम निकल रहे हैं। कल नलतर वैली जाते हुए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, और अब हम उसी चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं। तो ये देखें कैसी खतरनाक किस्म की उतराई है। यहाँ पे बाइक जो है वो बहुत स्पीड में जाती है, बहुत मुश्किल जो है वो कंट्रोल करनी पड़ती है ब्रेक लगा लगा के। और ये ब्रिज क्रॉस करते साथ दोबारा से चढ़ाई शुरू हो जाती है। सुबह सुबह का टाइम है, आप रास्ते की खूबसूरती एंजॉय करें। कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ पहाड़ों की चोटियों पे, और सूरज की रोशनी हल्की हल्की चोटियों पे कहीं कहीं पड़ रही है, ज़्यादातर नहीं पड़ रही बादलों की वजह से। और ये जो सीधा रास्ता है ये जा रहा है जी KKH कराकरम हाईवे की तरफ, और हम ये टर्न हो गए हैं सतरंगी लेक के रास्ते पर। ये यहाँ से टोटली जिस तरह सतरंगी लेक का रास्ता स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप देखें ऑफ रोड भी स्टार्ट हो चुका है, और एंड तक ऑफ रोड ही रहेगा। तो चले चलते हैं, आपको भी मज़ेदार किस्म के व्यूज़ दिखाते हैं। आप सामने खूबसूरती चेक करें, अल्लाह की कुदरत चेक करें, कि शायद कैमरे की आँख आपको उस तरह ना दिखा सक रही हो जिस तरह मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ये जो पहाड़ आपको दिखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये इतने बड़े और खूबसूरत पहाड़ हैं कि दिल करता है इनको देखता ही रहे बंदा। और मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं बस किसी तरह वो पहाड़ की चोटी पे चला जाऊं, क्योंकि देखने में वो बहुत पास लग रही है, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा तो 2 से 3 घंटे क्या 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। चलें, आप देखें नलतर वैली के रास्ते पे कैसे जो पहाड़ के पत्थर हैं उनको जोड़ जोड़ के बाउंड्री बनाई हुई है,
साइड्स पे हरे पीले रंग के दरख्त क्या खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, और सामने बिल्कुल बादलों में घिरी हुई पहाड़ों की चोटियाँ, हल्की हल्की धूप, ठंडा ठंडा मौसम, ये रास्ता और हम। यहाँ पे जी 125 की बस हो चुकी है डबल सवारी पे, तो अब 125 जो है वो हम वालिद साहब को दे देते हैं, वो 125 पे ड्राइव करेंगे, और कासिम भाई जो हैं वो स्लिम से हैं तो मेरे साथ बैठ जाएंगे 150 पे, तो हम इजीली जो है वो अपना सफ़र जो है इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। रास्ता बहुत टफ है, अभी ये पहली चढ़ाई है और टोटली ऑफ रोड, और पहली चढ़ाई पे डबल सवारी पे 125 जो है वो रुक चुका है। सिंगल सवारी पे इजी जाता है लेकिन डबल सवारी पे बहुत मुश्किल करता है। अब देखें यहाँ पे धक्का भी लगाना पड़ा है स्टार्ट में, क्योंकि अगर मैं ना रुकता, एक दफ़ा अगर ब्रेक लगा दो ना, तो बाइक जो है वो ऑफ रोड पे उसी जगह पे रुक जाती है, फिर धक्के के बगैर ऊपर नहीं चढ़ती। वैसे मैं अपनी रिदम में आ रहा था लेकिन 125 जब रुका तो मुझे भी रुकना पड़ा और फिर धक्का भी लगाना पड़ा। ये देखें जी पहली वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, और ये जा रहा है जी हमारा जहाज़ उड़ता हुआ। पहली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो चुकी है, क्या मंज़र है आप चेक करें, सब्ज़ पानी और ऊपर ये ब्रिज, बहुत ही हसीन मंज़र पेश कर रहा है। ये जी हमारी दूसरी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, ये काफ़ी लंबी है तो हम ज़रा यहाँ साइड से रास्ता है, यहाँ से अपनी बाइक गुजारते हैं। पत्थर आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े पत्थर, रोड तो है, रोड का तो नामो निशान ही नहीं है ना, इस टाइम हम पहाड़ों पर ही चल रहे हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी मज़ेदार किस्म की, बर्फ तो जंगल होता ना ख़त्म हो गया। मैं सुना उधर झील बन गई है। ये रास्ता चेक करें आप, यहाँ पे तो भाई बस हो गई है, जीप को डाल लेने दें। ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं कि बाइक का जो हैंडल है वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी एहतियात से बाइक चलानी पड़ती है, वरना ज़रा सी गलती से बाइक जो है वो स्लिप होगी और हम बाइक के नीचे और बाइक हमारे ऊपर, ये भी हो सकता है, तो बड़े एहतियात से आना पड़ता है। ये हमें जी जीप मिली है एक, वो भी यहाँ के रिहायशी यहाँ से गुजर रहे हैं। मेरे हिसाब से पूरी नलतर वैली में मैंने एक भी विज़िटर नहीं देखा, अक्टूबर का महीना एंड हो रहा है और कोई भी विज़िटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी हम सतरंगी लेक पे अकेले जा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे भी उम्मीद है कि कोई विज़िटर शायद ना हो, वहाँ पहुँच के हमें पता चलेगा, तो हो सकता है कि हम हो और हमारे साथ भी हम ही हो। सतरंगी लेक मेरे ख़्याल से वन ऑफ द मैजेस्टिक प्लेस है पाकिस्तान में विज़िट करने के लिए, मैंने इससे खूबसूरत लेक कहीं नहीं देखी। दोस्तों अगर आपने ये रास्ता और ये नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करना है ना, तो मेरा जो व्लॉग है ना इसको आप
अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल शेप में करके देखें, फुल स्क्रीन पे करके देखें, आपको बहुत मज़ेदार किस्म के व्यूज़ नज़र आएंगे मेरी इस बाइक ट्रैवलिंग में। और झील के नज़ारे तो मज़ेदार किस्म के होने वाले हैं। झील पे पहुंच के उड़ाएंगे हम ड्रोन और आपको मज़ेदार से ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। A few moments later. यहाँ पे हमारी बाइक जो है वो नीचे जरा से पानी की वजह से मिट्टी के साथ दलदल सी बनी हुई थी। अगला टायर उस दलदल में गया और बाइक जो है वो स्लिप हो गई। खैर शीशा मेरा साइड मिरर जो है वो टूट चुका है, बचत हो गई है। हमें कोई चोट नहीं लगी, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ सिवाय इस शीशे के। हैंडल थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है लेकिन वो मुझे लगता है कि मैं खुद से ही अभी सतरंगी लेक पे पहुंच के इसको सीधा कर लूँगा। बस हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं जी सतरंगी लेक की पहली झलक। अबू मुझसे पहले पहुंच चुके हुए हैं 125 पे, ये देखें जी। सो फाइनली स्नोफॉलिंग शुरू हो चुकी है, सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल है सतरंगी लेक पे और हम अभी पहुंचे हैं। अभी इंशाल्लाह हम ब्लू लेक जाएंगे। बहुत सख्त ऑफ रोड ट्रैक है, एक दो जगह पे मैं थोड़ा सा बाइक स्लिप भी हो गया था, प्रोग्राम बर्थडे भी लगा था। तो ये देखिए मेरे पीछे से अल्लाह की कुदरत आ रही है, स्नो आ रही है। स्नो एंजॉय करने आए थे तो मिल गई, अभी थोड़ी थोड़ी है क्योंकि फर्स्ट स्नोफॉल है, कोई नहीं आगे ज़्यादा भी मिल जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। ये देखें जी बैक, हमारे बैकग्राउंड पे टोटली स्नो कवर्ड पहाड़ है, टोटली स्नो कवर्ड। और अभी हमने इधर से इस रास्ते जाना है और उस साइड पे दो झीले और हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपको ब्लू लेक जो सतरंगी लेक के बाद आएगी उसका रास्ता कैसा है और ब्लू लेक की खूबसूरत ड्रोन शॉट्स मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। सतरंगी लेक पे ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक बहुत पसंद आई होगी। अगर ब्लू लेक देखना चाहते हैं तो मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करें, मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।